नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। कुश्ती एक अति प्राचीन खेल का एक मनोरंजन साधन है। यह प्रायः दो व्यक्तियों के बीच होती है, जिसमें खिलाड़ी अपने प्रतिद्वंदी को पकड़कर एक विशेष स्थिति में लाने का प्रयत्न करते हैं। यह खेल देश का प्राचीन खेलों में से एक माना जाता है। यह खेल गांवों में एक विख्यात रूप में देखने को मिलता है और गांव के युवक इस खेल में गांव स्तर से ऊपर उठकर देश विदेश में अपना नाम रोशन करने के साथ साथ अपने गांव व देश का नाम भी रोशन करने का कार्य करते हैं। उक्त बातें विकास खंड दुदही के गुरवलिया देवीपुर मेला के प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी कुश्ती के आयोजन के अवसर पर मुख्य अतिथि पूर्व विधायक एवं सपा नेता कासिम अली ने कही। उन्होंने कहा कि आज भी इस क्षेत्र में कुश्ती के खेल में रुचि देखने को मिल रही है, जो प्राचीन काल की बातों को याद दिलाता हुआ प्रतीत हो रहा है। इस कुश्ती समारोह में आस पास एवं दूर दराज के पहलवानों द्वारा अपने कुश्ती को किया गया। आगे उन्होंने कहा कि पहलवानों में कुश्ती से स्वच्छ प्रतिस्पर्धा की भावना के साथ लक्ष्य की पूर्ति के लिए कटिबद्ध रहने की भावना जागृत होती है। पहलवान कठिन परिस्थितियों में सुगमता से राह निकाल लेने की कला सीख लेते हैं। इस अवसर पर पूर्व राज्य मंत्री महेंद्र भंते, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान रामाश्रय, युजन सभा के राष्ट्रीय सचिव संतोष यादव, राहुल यादव, बजरंगी यादव, सुभाष यादव, धीरज मिश्रा, शैलेश चौबे आदि लोग मौजूद रहे। ईरान वाले हैं, मेरे पाकिस्तान वाले हैं, और भर्ती की माँ है, ये भी हिंदुस्तान वाले हैं, ये भी हिंदुस्तान वाले हैं। तो इनका स्वागत किया। देखिए, बहुत ही अच्छी कुश्ती का हाथ आज के मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा मिलाया गया। एक तरफ बच्चन पहलवान, जिनको माननीय रामाश्रय पहलवान 200 साल से जान रहे हैं, बच्चन पहलवान